नमस्कार, वेब दुनिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कहा पाकिस्तान की हरकत का बदला लेंगे। उत्तर कोरिया की चीन को चेतावनी, अगर उसके संयम की परीक्षा दी तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। भारत का माल्या को प्रत्यर्पित करने का ब्रिटेन से फिर आग्रह, गृह सचिव राजीव महर्षि ने बैठक में मामला उठाया। इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर, उत्तर प्रदेश का गोंडा सबसे अस्वच्छ। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने नरेंद्र मोदी से कहा पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर दो। चुनाव आयोग ने 12 मई को ईवीएम के मुद्दे पर बुलाई सर्वदलीय बैठक। ओडिशा के रायगढ़ में 1,00,000 रुपए की इनामी महिला नक्सली कुन्नी सिकाका ने 5 साथियों के साथ आत्मसमर्पण किया। मुंबई उच्च न्यायालय ने गोधरा कांड के बाद हुए बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार मामले में 11 लोगों की उम्र कैद की सजा बरकरार रखी। सुकमा हमले से जुड़े 11 संदिग्ध नक्सली गिरफ्तार। स्कूलों में 8वीं कक्षा तक हिंदी अनिवार्य करने संबंधी याचिका की सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। बाबा रामदेव ने कहा चीन मित्र राष्ट्र नहीं, उत्पादों का बहिष्कार किया जाए। ईरान में कोयला खदान में विस्फोट, 21 मजदूरों की मौत। अमेरिका के टेक्सास विश्वविद्यालय परिसर में गोलीबारी, 2 की मौत, मरने वालों में हमलावर भी शामिल। उत्तर प्रदेश में अब गरीबों को मिलेगा 5 रुपए में भरपेट भोजन। मध्य प्रदेश में भिंड जिले के गोरमी थाना क्षेत्र में ट्रेन की चपेट में आया लोडिंग वाहन, 4 लोगों की मौत। ये थी आज की खास खबरें। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।